कौन है नितेश राणे? नितेश राणे का जो ये बयान है उसके बाद जो अब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आपको बता दें नितेश राणे कौन है? महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के बेटे हैं नितेश राणे। स्वाभिमान संगठन के प्रमुख हैं नितेश राणे, एक संगठन चलाते हैं स्वाभिमान संगठन। विवादित टिप्पणियों की वजह से चर्चा में रहते हैं, इससे पहले भी कई बार चर्चा में आ चुके हैं, सुर्खियों में रहे हैं। नितेश का संगठन युवाओं के लिए काम करता है, स्वाभिमान संगठन। मुंबई यूथ कांग्रेस के महासचिव रह चुके हैं नितेश राणे और अब ट्विटर पर बयान दिया है गुजरातियों को लेकर, उन लोगों को लेकर जो नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं उनको लेकर बयान दिया है, जिसकी वजह से अब फिलहाल विवादों में हैं। सभी तरफ से प्रतिक्रियाएं भी मिलनी शुरू हो गई हैं। हालांकि नितेश राणे के पिता नारायण राणे पहले शिवसेना में रह चुके हैं, यानी शिवसेना के एक बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे एक जमाने में नारायण राणे, उन्हीं के बेटे हैं नितेश राणे। नारायण राणे अब कांग्रेस पार्टी में हैं, नितेश राणे कांग्रेस पार्टी के यूथ विंग के महासचिव भी रह चुके हैं। 12-18% गुजरात के लोग मुंबई में रहते हैं, आपको ये भी बता दें, और गुजरातियों को लेकर ही ये बयान नितेश राणे ने ट्विटर पर दिया है, जिस बयान पर वो कायम भी हैं। अंधेरी, दहिसर, मुलुंड, घाटकोपर में ज्यादा गुजराती लोग रहते हैं, ये वो इलाके हैं जो ज्यादातर गुजराती बहुल इलाके हैं। मुंबई की राजनीति में अहम रोल निभाते हैं गुजराती और गुजरातियों को लेकर यह बयान दिया है। हालांकि हमला कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पर है, लेकिन सीधे गुजरातियों को ही कहा है कि नरेंद्र मोदी की तारीफ करनी है तो गुजरात जाएं। कपड़ा और हीरा कारोबार पर गुजरात का कब्जा है, गुजरात के जो लोग हैं जो मुंबई में रहते हैं महाराष्ट्र में रहते हैं उनका कब्जा है इन कारोबारों पर। गुजरात के लोग बीजेपी के वोटर माने जाते हैं।